गीताज पकवान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं देखिए बनाने जा रही हूँ आम का बेबी अचार। ये मेरे बच्चे लोग बोलते हैं इसके बेबी अचार, इसका मतलब हुआ कि आम को छोटे छोटे पीसेस में काट करके मैं ये अचार बनाती हूँ। ये अचार का भी सीजन है इसलिए मैं ये अचार बनाने जा रही हूँ। इसके लिए देखिए क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है। आम ली हूँ जिसे मैं बिना छिलका छिले हुए इसे मैं पहले धो करके सुखा ली हूँ धूप में। उसके बाद देखिए इसको छिलका छील करके और इसको भी छोटे छोटे पीसेस में काटूंगे। इस तरह सबको दिखा रही हूँ कैसे काटना है। ये अचार में है सबसे बड़ा कि कुछ वेस्ट नहीं होता। बड़े बड़े अचार में है कि आधा लोग खाते हैं और उसके बाद वेस्ट करते हैं तो बर्बाद हो जाता, लेकिन इससे जड़ा से बर्बाद होने का नहीं चांस है। छोटे छोटे पीस में दीजिए, सभी बच्चे बड़े सब आराम से खा लेंगे। और ये अचार पराठा चपाती किसी भी चीज़ के साथ खाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। ये छील करके अचार बनता है। इसके देखिए अंदर के जो आठी होता है गुट्ठी को बिल्कुल निकाल देंगे और फिर इस अचार को छोटे छोटे पीस में आम को काटेंगे। चूल्हा में देखिए ऑन कर दी हूँ, कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इसमें सारे मसाले को धीरे धीरे करके रोस्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले धनिया देखिए, धनिया सबसे देरी से ही होता है रोस्ट, इसलिए सबसे पहले मैं धनिया डाली हूँ। उसके बाद देखिए आधा चम्मच जो मेथी ली थी कड़ी मेथी मेथी डाली। उसके बाद अजवाइन, इसका सौंफ, लहसुन जीरा, इसमें करना होता है रोस्ट करके मसाला देने से भी फायदा है ताकि अचार खराब नहीं हो। चूल्हा जला करके उसको रोस्ट नहीं करना, सिर्फ जो मैं रोस्ट की हूँ जो कढ़ाई गर्म है उसी में थोड़ा गर्म कर दूँगी। गर्म करने से फ़ायदा होगा आपका राइस में तीखा पानी आएगा। अगर राई को रोस्ट कर दीजिएगा तो उसमें बिल्कुल तीखा पानी आ जाएगा। अब देखिए मसाले सब रोस्ट हो गए, अब इसी में ग्राइंड करने जा रही हूँ। तो देखिए कढ़ाई ये तो बिल्कुल गर्म है और इसी में देखिए हल्दी ये सब मैं जो गर्म कर देती हूँ, गर्म करके डालने से अचार वर्षों चल जाएगा लेकिन आपका अचार ख़राब नहीं, इसलिए सबको भी हल्का सा गर्म कर देना। कढ़ाई तो गर्म है, कढ़ाई के गर्माहट से ये थोड़ा गर्म हो जाएगा और इसी में थोड़ा सा मैं हींग डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हल्का सा हींग डालना। देखिए मैं मसाला ग्राइंड करके लिए हूँ और इसमें सब मिक्स कर दूँगी। ये जो मिर्ची हल्दी ये सब जो मैं गरम की थी ये सब को मैं डाल दे रही हूँ। उसके बाद देखिए खड़े मसाले अजवाइन कलौंजी और सौंफ ये सब एक साथ डाल दे रही हूँ। नमक देखिए दो चम्मच करीब, और तेल को देखिए मैं एकदम गरम करके धुआं निकलने तक गरम की हूँ, इसको पंखा में ठंडा करके इसमें डाल दे रही हूँ। अब मैं इसे मिक्स कर अच्छे तरह से इसको मिक्स करना। ये अचार बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छा लगता खाने में, आप कभी भी बना के खाइएगा बहुत टेस्टी लगेगा। जो अचार का सीजन आम मिल रहा है अब आराम से अचार ही बना सकती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, आराम से इस अचार को बना करके रख सकती हैं और साल भर एक साल तक वर्षों तक इसे स्टोर करके अब रख सकती। सारे मसाले इसमें रोस्ट करके मैं दी हूँ इसलिए अचार ख़राब होने का कोई डर नहीं। अब इसको 3-4 दिन धूप लगा दूँगी, बस ये अचार बन जाएगा और खाने के लिए एकदम बिल्कुल रेडी है। तो देखिए मैं सारे मसाले और तेल मिक्स कर दी हूँ और ये अचार बिल्कुल बनकर रेडी हो गया। बस 3-4 दिन धूप लगाएंगे और उसको फिर खाना शुरू कर देंगे। ये देखिए कच्चे आम का ये बेबी अचार और ये देखिए बिल्कुल बनकर रेडी होगा। ये देखिए कितना स्वादिष्ट और कितना अच्छा देखने में लग रहा है लुक इसका। और कभी भी बना के इसे खाइए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि अचार कैसी बनी और कैसी लगी। फिर से आगे मैं नई वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।